तरफ जहां कोरोना को लेकर देश भर में पुलिस लगातार लोगों की सेवा में लगी हुई है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली के विजय विहार थाना इलाके में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने छत से कूदी एक महिला को अपने हाथों में किसी बॉल की तरह कैच कर न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे मामूली चोट तक नहीं आने दी। हालांकि इस घटना में महिला की जान बचाने वाला पुलिसकर्मी खुद घायल हो गया। दिल्ली के रोहिणी स्थित विजय विहार थाने में तैनात हेड कांस्टेबल विनोद ने बताया कि वह बुध विहार फेस वन इलाके की अपनी बीट में लॉकडाउन के लिए गश्त कर रहे थे, तभी निगम के एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि एक महिला जबरन उनकी गाड़ी के आगे लेट गई है और उन्हें आगे नहीं जाने दे रही, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और महिला के परिवार की मदद से उन्होंने उसे गाड़ी से नीचे खींच कर निकाला और परिवार के साथ बात करने लगे। इतने में आसपास के लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि वह छत से कूद रही है और महिला ने अपनी छत से नीचे छलांग लगा दी, जिसे देखकर नीचे खड़े हेड कांस्टेबल विनोद ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर महिला को किसी बॉल की तरह हाथों में कैच कर लिया। वहीं घबराहट के मारे महिला बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। मैं इलाके में मौजूद था, मेरे पास एमसीडी का कर्मचारी आया, उसने बताया कि एमसीडी की गाड़ी के नीचे जो कूड़ा उठाने वाली है एक औरत लेटी हुई है और वो निकल नहीं रही है। मैं तुरंत पहुंचा और मैंने उनके घर वालों की मदद से उसको बाहर निकलवाया तो मैंने देखा कि वो जो छत पे चढ़ गई और वो कूदने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो कूदी तो मैंने जो है ना उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जो है रोक लिया। देखिए, जो हेड कांस्टेबल विनोद ने जो कार्य किया है, एक लेडी जो ऊपर छत से कूद रही थी उसको अपने हाथों में उन्होंने कैच किया एक तरह से और बिल्कुल भी उसको कोई चोट नहीं आई, इसकी जान बच गई और ये बहुत ही साहसी कदम है, बहुत ही एग्जेम्पलरी काम किया इन्होंने। हम बहुत प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के लिए और हमने इनकी इस बहादुरी के लिए जो है इनको सूटेबल रिवार्ड करने के लिए भी हमने महकमे को अफसरान से बात करी, लिखा है।